वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर यानी कि किसान चौक पर भी प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में होता है, हमें निरंकारी मैदान क्यों भेजा जा रहा है, जो कि एक निजी संस्था है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम लोग आज यही रहेंगे। हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। अन्नदाता सड़कों पर है, वजह क्या है? दिल्ली की तरफ पूछ करेंगे क्या रणनीति है? हाँ, दिल्ली में तो आएंगे, दिल्ली में ही तो है। तो क्या रणनीति है? अगली रात भर किसान यहाँ डटे रहे, तो दिल्ली सरकार आएगी, भारत सरकार। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ, गृह मंत्री ने साफ कह दिया है, कृषि मंत्री ने कह दिया कि आगामी 3 दिसंबर को आमंत्रित हैं किसान बैठकर वार्ता कर सकते हैं। हाँ, 3 बजे। तो आज की रणनीति आपकी क्या है? हम तो बैठे ही, हमारी क्या रणनीति, किसान ही क्या रणनीति, भाई किसान या तो खेत में होता या भाई यहाँ को हमें काम बताया तो हम वो करेंगे 3 तारीख तक। मेन विरोध किन किन बातों को लेकर? तो MSP से कम पर खरीद हो रही है, MSP मिलना चाहिए किसान को, और पूरे किसान को लुटा जा रहा है जी। वो मुठा हमारा वो विरोध है जी। और उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी, जो व्यापारी है वो होल्डिंग करेगा फिर, वो महंगे रेट में बेचेगा। ये बड़े सवाल हमारे हैं, बिजली के इशू है, गन्ने के इशू है, इशू तो बहुत है। अगर कोई सुनने वाला हो तो इशू है, नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डालो। भगा कल रात से यहाँ डटे हुए हैं, आज की क्या रणनीति है? हम तो यही रहेंगे या रुकेंगे? हम तो यही रहेंगे, तो यही रहेंगे भाई। ये दिल्ली है, ये इधर यूपी है, दिल्ली में है।